एक काम करना, स्पीड टाइप कौन करता है? स्पीड टाइप कौन करता है? साथ ही साथ एक एक लोग बस कोई, ज्यादा दो सब नहीं, एक लोग बस कोई साथ ही साथ टाइप करते हैं, जिसके में ये सारा सेटअप वर्क करता है, क्योंकि इसको मैंने अनइंस्टॉल करके दोबारा से लगाया है तो बहुत सारी दिक्कत आती है। ठीक है, तो कौन करेगा साथ ही साथ? हमारा सेटअप रेडी वो नहीं है सर, स्प्रिंग 3 वाला चलेगा। पहला है? हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला चल गया था? कौन सा? वो अरे वो डिपेंडेंसी कंस्ट्रक्टर वाला चल गया था, सब तो चलना। अलग से जाप लगा रहे थे तो। हाँ ठीक है, ओवरऑल आंसर आना चाहिए ना। मैंने भी इसमें से हटा दिया है, दोनों 3 और 4 दोनों हटा दिया मैंने, दोबारा से इंस्टॉल करेंगे। नाटक कल का डायग्राम कहाँ पे है? टू पी एम ये तुम लोग के रेफरेंस के लिए है। ठीक है, एक मैवन प्रोजेक्ट तो कल ही बना लिए थे, इसके अंदर एक फोल्डर बनाते हैं। अच्छा काफी बनेंगे, सबसे पहले बनाते हैं क्या वीओ के लिए। ठीक है, तो जैसे अपने पास एक टेबल टेबल बनाएंगे, पहले ओरेकल के लिए करते हैं। ठीक है, पहले ओरेकल पे करते हैं, तो एक टेबल बना लेते हैं। तुम लोग माइक्स में यूज करते थे ओरेकल? क्या हो गया तुमको, तुम आपका कैसे कर रहे? चलो चलते, दोनों लोग दवाई लेके आए। डिस्क्राइब क्या है टेबल का नेम? स्प्रिंग एम्प्लॉय नाम से टेबल बना रखा। ऐसे टेबल बना लोगे? क्रिएट टेबल, एम्प्लॉय आईडी नंबर टाइप का, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, ये पहले ओरेकल के लिए देख लो। उसके लिए माइसिकल में मैं बता दूंगा, वर्कबेंच से उधर डायरेक्ट क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है ना, दोनों बताएंगे। तो पहले अपने पास एक टेबल ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक क्लास बनाते हैं, कौन सी? वीओ क्लास। तो उसके लिए एक पैकेज फॉर्म डॉट ए वाई डॉट वीओ कर लेते हैं। ठीक है,
इस वीओ पैकेज के अंदर ये जो पहले से बने ये खाली है, ठीक है, सिर्फ पैकेज बस है, और ये भी खाली है, कुछ नहीं है, कल ही बनाए थे, ठीक है, ये मत सोचो कि इसके अंदर पहले से कुछ लिखा। डिपेंडेंसीज लगा लेते हैं, mbnrepository.com, mbnrepository, ठीक है। उसके बाद इस पे स्प्रिंग कॉन्टेक्ट सपोर्ट सर्च कर लीजिए फर्स्ट, इसको करके कॉपी करके यहाँ पे डिपेंडेंसी पे पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। डिपेंडेंसी नहीं लगा दे तो हाँ जैसे नया प्रोजेक्ट हाँ क्रिएट हाँ तो यहां से ऐसे करके इस पे नहीं लगा दिया करो, मैं वेब एप्लीकेशन होता तो बता देते क्या होता, ठीक है। स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट, दूसरा डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ओरेकल के लिए ओजेडीबीसी। अब आपके में ओजेडीबीसी 6 है, 8 है, जो भी है, इसमें क्या है, 8 है, तो ओजेडीबीसी 8 सर्च किए। MySQL के लिए बताता हूँ, ये वही जार फाइल की तरह वर्क करेगी, ओपन की ये वाले को कॉपी पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। दोनों पे वर्क करना है, माई एसक्यूएल पे भी, तो माई एसक्यूएल पे कौन सा आता है, कनेक्टर जी, माई एसक्यूएल कनेक्टर जी, तो ये कनेक्टर जावा वाला, कनेक्टर जावा वाला कर लेते हैं, ठीक है। ओपन की जिसके यूसेज थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं तो उसको हम ऐड कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है, इसलिए लगा लिए, बाद में ध्यान ना आए तो, ठीक है। तीनों डिपेंडेंसी लगा दी, एक स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट के लिए, जेडीबीसी ओरेकल के लिए, माइस्क्यूएल के लिए, चलो हो गया है ना। वीओपी एक क्लास बनाते हैं, अब ये जो क्लास रहेगी हमारी, जो टेबल है वो क्या है, एम्प्लॉय, टाइपिंग अच्छा नहीं कर छोड़ो 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 छोड़ो, चलो हटाओ हटाओ, रहा ना अरे सॉफ्टवेयर इसमें क्या है, मैंने सब हटा दिया ना, देखा ना, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग 3 4 सब हटा दिया, तब हो सकता है एरर आ सकता था, बाकी आने तो नहीं चाहिए। चलो देखो बंद करो, अब स्प्रिंग बीओ, स्प्रिंग बीओ ये क्या है, ये वीओ फर्स्ट वाली क्लास, ये कहां से लेके डेटा को लेके मेन कंट्रोलर तक पहुंचाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी इनपुट आएगा बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा, स्ट्रिंग फॉर्म में बना ही लेते हैं, क्योंकि इस वीओ को अपन कितने यूज करेंगे, एचटीएमएल में यूज करेंगे, तो वहां से तो उसी में आता ना स्ट्रिंग में, तो प्राइवेट स्ट्रिंग, क्या क्या कॉलम नेम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, एम्प्लॉय आईडी स्ट्रिंग हो गया, एम्प्लॉय आईडी, दूसरा एम्प्लॉय नेम, तीसरा डेजिग्नेशन, चौथा बेसिक सैलरी, क्लियर, एल्ट शिफ्ट एस, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, सेलेक्ट ऑल,
भी कर लो, क्लियर हो गया, क्रिएट हो गया। इसी तरह एक बना लेते हैं, किसके लिए? एक बना लेते हैं पैकेज कॉम डॉट ए वाई डॉट, किसके लिए? ये बीओ के लिए था, डी टी ओ। एक और बना लेते हैं कॉम डॉट ए वाई डॉट बी ओ, डी टी ओ में भी यही चीज रहेंगी। एम्प्लॉय डीटीओ, बीओ के अंदर भी एक क्लास रहेगी, एम्प्लॉय बीओ, ठीक है। तो डीटीओ इसके अंदर प्राइवेट पहला हो गया, इंट किस फॉर्म में? ईएमपी आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग एम्प्लॉय, प्राइवेट स्ट्रिंग डेजिग्नेशन, प्राइवेट फ्लोट किस फॉर्म में रहेगा? ये बेसिक सैलरी, ठीक है। एड शिफ्ट एस जनरेट गेटर सेलेक्ट ऑन जनरेट, सिविलाइजेबल इंटरेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? इसी तरह बीओ बना लेते हैं, बीओ कहा इसके अंदर भी सेम चीजें, है तो ये छोटा एप्लीकेशन, काम तो एक ही में हो जाता, बट अपन जानबूझ के इसको अलग अलग बना रहे हैं, ठीक है। ये तीनों अपनी बीन्स क्लास से क्या हो गई? रेडी हो गई। वीओ, डीटीओ और बीओ, ठीक है। दो को आपने सीरियल से क्योंकि डीटीओ ही सबसे मेन क्लास होती है, जब अपन एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में डेटा शेयर करते हैं तो वीओ वीओ नहीं होती, वीओ जो हो गई फिक्स हो गई, कहाँ के लिए? डीओ के पास रहती है ना? और वीओ कहाँ फिक्स हो गई? उधर फ्रंट कंट्रोलर के पास, ठीक है। मेन जो पूरा शेयर होती है वो होती है डीटीओ, ठीक है। इसलिए उसको बस मैंने क्या किया, सीरियलाइजेबल इंटरफेस से डील किया। चलो भाई देख पा, तो जो अपन बीन्स बीन्स को यूज करते रहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अभी तक अपन सिर्फ और सिर्फ डीटीओ की फॉर्म में यूज कर रहे थे, ठीक है। अब क्या बनाना अपने को? ये हो गया मेन कंट्रोलर, मेन कंट्रोलर SRC कॉम डॉट ए वाई डॉट कंट्रोलर। कंट्रोलर पैकेज के अंदर एक क्लास बनाते हैं मेन कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद कौन है? सर्विस, एक और पैकेज बनाते हैं सर्विस, एक और बनाते हैं डीएओ। सर्विस के अंदर एक मेथड रहेगी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सर्विस के अंदर एक मेथड बना लेते हैं, सबसे पहले तो सर्विस के अंदर, सर्विस पैकेज के अंदर एक इंटरफेस बना लेते हैं,
इंटरफेस की पहचान क्या होती है? उसका जो नाम होता है वो आई से स्टार्ट होता है, ठीक है। जनरली अपन क्लास का नेम फर्स्ट लेटर क्या रखते हैं? कैपिटल रखते हैं, बट इंटरफेस में भी कैपिटल रखते हैं, बट उसके साथ में स्टार्टिंग में आई जोड़ देते हैं। तो आई एम्प्लॉय, ठीक है, इंटरफेस हो गया। इसके अंदर एक मेथड है पब्लिक स्ट्रिंग, रजिस्ट्रेशन एक मेथड, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मेथड डीटीओ, डीटीओ एक्सेप्ट करेगी, डीटीओ कौन सेंड करेगा? मेन कंट्रोलर। इसको क्या कर देते हैं, डीटीओ कहाँ है? एम्प्लॉय डीटीओ, डीटीओ, ठीक है। इसकी जो भी इंप्लीमेंटेड क्लास होगी, जैसे हो गई एम्प्लॉय सर्विस इंप्लीमेंटेशन क्लास, ठीक है, एम्प्लॉय सर्विस इंप्लीमेंटेशन क्लास, ये क्या करेगी? इंप्लीमेंट करेगी किसको? आई एम्प्लॉय सर्विस। सबसे पहले क्या करेगी? डीटीओ को, मेथड को ओवरराइड करेगी। डीटीओ पे यहां ये क्या करेगी? सेंड करेगा किसको? डीएओ को। किसको? सर्विस बीच का हो गया ना, ये सर्विस, ये एक्सेप्ट करेगा कंट्रोलर से और उसको सेंड करेगा बीओ में। नहीं समझा? ये रहा, सबसे पहले हमने वीओ क्लास एक बना ली, ये कहां जाएगा? मेन कंट्रोलर में। मेन कंट्रोलर में क्या करते हैं? एक मेथड बनाते हैं, ठीक है, प्रोसेस रजिस्टर नाम की। उससे क्या करेंगे? उसमें वीओ को सेंड कर देंगे, वीओ यहां से जो क्रिएट होके आएगा उसको सेंड कर देंगे मेन कंट्रोलर के थ्रू सर्विस में। देख लो, मेन कंट्रोलर पहले बना देते हैं अगर ऐसे नहीं। तो यहां पे सबसे पहले प्राइवेट आई एम्प्लॉय सर्विस, पब्लिक स्ट्रिंग प्रोसेस एम्प्लॉय, ये क्या एक्सेप्ट करेगा? वीओ एम्प्लॉय, वीओ वीओ, रिटर्न किया सपोज करो नल। इसके पास ये डेटा आएगा कहां से? इसके पास डेटा आएगा ये क्लाइंट ऐप से। क्लाइंट ऐप में हमने मेन मेथड में क्या किया? मेन मेथड में हमने अभी कुछ नहीं, स्कैनर एस सी इक्वल टू सिस्टम डॉट इन, और ये भी छोड़ो, इनपुट स्ट्रीम रीडर आई एस आर इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट ठीक है। फिर उसके बाद बफर्ड रीडर, बफर्ड रीडर बी आर इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर आई एस। उसके बाद ये क्या करेगा? इनपुट्स लेगा,
इंटर एम्प्लॉय आईडी इंटर करेंगे। एम्प्लॉय नेम डेजिग्नेशन और सैलरी। स्टोर किसमें करेंगे? बफर रीडर इसलिए यूज किए हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही इसमें इनपुट किस फॉर्म में आता है? बफर रीडर यूज नहीं क्यों किया? अरे स्कैनर क्लास की तरह होता है, जैसे स्कैनर क्लास होता है सेम। जावा में इनपुट तीन टाइप से लेते हैं, पहला स्कैनर क्लास, दूसरा बफर रीडर, तीसरा कमांड लाइन आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये बफर रीडर कहलाता है। इसमें बाय डिफॉल्ट इनपुट स्ट्रिंग फॉर्म में आता और हमको चाहिए भी स्ट्रिंग फॉर्म में, इसलिए मैंने बफर रीडर यूज किया। स्ट्रिंग एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू br डॉट रीड लाइन, ठीक है, एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ट्राई कैच कर लो। अरे कंट्रोल स्पेस मैंने दबा दिया था, ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय नेम br डॉट रीड लाइन स्ट्रिंग डेजिग्नेशन के लिए br डॉट रीड लाइन स्ट्रिंग बेसिक सैलरी के लिए br डॉट रीड लाइन। ठीक है, सारी इनपुट्स हो गई। अब इसको क्या कर देंगे? एम्प्लॉय वीओ का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हाँ, सैलरी स्ट्रिंग यूज करेंगे। क्योंकि हमारा जो एम्प्लॉय वीओ है उसके अंदर हमने सारी चीज किसमें ली है? स्ट्रिंग में। तो इनपुट को लेके सबसे पहले किसमें सेंड करेंगे? वीओ में, सबसे पहले वीओ में। ठीक है, तो वीओ में सारी चीज किसमें रखें? स्ट्रिंग में, क्योंकि ये जो वीओ जब वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तब एचटीएमएल से कनेक्ट रहता, यहां किससे कनेक्ट है? कंसोल से लिए, मतलब मेन मेथड पे कनेक्ट करेंगे। वेब एप्लीकेशन में यही वीओ किससे कनेक्ट रहता है? एचटीएमएल से। तो वहां से तो किसमें आता है? स्ट्रिंग फॉर्म में आता, इसलिए इसमें हमको किसने कर दिया इसको? स्ट्रिंग में कर दिया। एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय ठीक है। अब इस वीओ में क्या सेट कर देंगे? वीओ डॉट सेट, सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी सेट हो गई। वीओ डॉट सेट एम्प्लॉय नेम सेट हो गया। डेजिग्नेशन वीओ डॉट सेट बेसिक सैलरी सेट हो गया। हमको ऑब्जेक्ट कहां से मिलेगा? मेन कंट्रोलर का डिफॉल्ट लिस्टेबल बीम फैक्ट्री। डिफॉल्ट लिस्टेबल बीम फैक्ट्री फैक्ट्री इक्वल टू न्यू डिफॉल्ट बीम लिस्टेबल फैक्ट्री फैक्ट्री। क्लियर है? उसके बाद एक्सएमएल बीम डेफिनेशन रीडर रीडर इक्वल टू न्यू एक्सएमएल बीम डेफिनेशन रीडर फैक्ट्री आईओसी कंटेनर। ठीक है, रीडर डॉट
लोड बीन डेफिनेशन इक्वल टू एस आर सी स्लैश कॉम स्लैश ए वाई स्लैश सी एफ जी एस स्लैश एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल। ठीक है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल। हमको ऑब्जेक्ट किसका चाहिए? मेन कंट्रोलर, कंट्रोलर इक्वल टू फैक्ट्री डॉट गेट बी, मेन कंट्रोलर डॉट। ठीक है, अब इस मेन मेन कंट्रोलर के अंदर कौन सी मेथड है? प्रोसेस इंप्लॉय। कौन सी मेथड है? प्रोसेस इंप्लॉय। तो यहां पे क्या करेंगे, कंट्रोलर डॉट प्रोसेस एम्प्लॉय व्यू, वहां से क्या आएगा? एक स्ट्रिंग मैसेज आएगा, स्ट्रिंग मैसेज या कि फिर रिजल्ट कर लो इक्वल टू दिस, और लास्ट में कोई दिक्कत ना? जो भी इनपुट लिए स्ट्रिंग फॉर्म में लिए, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट और वीओ का ऑब्जेक्ट बनाए, सेट करके कहाँ सेंड कर दिए? मेन कंट्रोलर में। कहाँ सेट कर दिए? मेन कंट्रोलर में, मेन कंट्रोलर की प्रोसेस एम्प्लॉय क्लास में। तो कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। तो ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया, वीओ कंप्लीट हो गया, यहाँ गया, हो गया। वीओ रेडी, यहां तक आ गया, आ गया ना। मेन कंट्रोलर में हमने क्या किया, मेन कंट्रोलर में इस वीओ को यहां तक आ गया। अब इसमें से क्या रिट्रीव करके किसमें ऐड कर देंगे? डीटीओ, क्योंकि अब मेन कंट्रोलर से बाकी जगह पे हर जगह कहां कौन जाएगा? डीटीओ जाएगा। वीओ का काम सिर्फ यहां तक था और डी बी ओ का काम यहां तक है। इतने में बी ओ, इतने में बी ओ। उसके अलावा यहां पे जितनी भी क्लासें होंगी सब में शेयर कौन होगा? डीटी। तो वो उसको हम कहां पे बना लेंगे? यहीं पे बना लेते हैं। तो सबसे पहले एम्प्लॉय डीटीओ इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय एम्प्लॉय डी को ऑब्जेक्ट बनाए, उसके बाद डी टी ओ डॉट सेट एम्प्लॉय आईडी पे क्या सेट कर दिए? वीओ। वीओ में तो सारी चीज किस फॉर्म में है? स्ट्रिंग में। उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? इंटीजर में। इंटीजर डॉट पार्स इंट वीओ डॉट गेट एम्प्लॉय आईडी। डी टी ओ डॉट सेट एम्प्लॉय नेम इक्वल टू वी ओ डॉट गेट एम्प्लॉय। डी टी ओ डॉट सेट डेजिग्नेशन इक्वल टू वी ओ डॉट गेट डेजिग्नेशन। डी टी ओ डॉट सेट बैलेंस इक्वल टू फ्लोट डॉट पास फ्लोट वी ओ डॉट गेट गेट। ठीक है, अब इसको सर्विस क्लास में कहाँ भेज देंगे? सर्विस क्लास ये रही, इसके अंदर एम्प्लॉय डी रजिस्ट्रेशन मेथड है ना, रजिस्ट्रेशन मेथड, इस रजिस्ट्रेशन मेथड में सेंड कर देंगे यहाँ पर। तो इस मेथड को कॉल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस सर्विस के रजिस्ट्रेशन मेथड पे सेंड कर देंगे। तो मेन कंट्रोलर यहाँ पे हमने ऑलरेडी सर्विस बना चुके हैं, सर्विस बना लिए ना, ये वेरिएबल सर्विस डॉट रजिस्ट्रेशन डीटी।
ठीक है, और यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे? इसको इंजेक्ट करना पड़ेगा। कौन इंजेक्ट करेगा? भले आईओसी कंटेनर इंजेक्ट करेगा, बट हमको सेटर मेथड या फिर कंस्ट्रक्टर तो बनाना पड़ेगा। मेन कंट्रोलर, मेन कंट्रोलर, वन पैरम कंस्ट्रक्टर, यहां पे कर लेते हैं आई एम्प्लॉय सर्विस, सर्विस दिस डॉट सर्विस इक्वल टू सर्विस। ठीक है, समझ आया? हम मेन कंट्रोलर में सर्विस को इंजेक्ट कर देंगे, सर्विस के ऑब्जेक्ट को। अब इस सर्विस के ऑब्जेक्ट की मदद से रजिस्ट्रेशन मेथड को कॉल कर देंगे। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे। ठीक, तो अपन कहाँ तक पहुंच चुके हैं? ये सर्विस हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, ये हो गया, सर्विस बना लिए हैं, ये मेथड बना लिए। अब यहाँ आते हैं, कितना पोर्शन है? ठीक है, यहाँ तक पहुंच चुके हैं ना, उसमें कोई दिक्कत है क्या? वो थोड़ा सा अलग जरूर लग रहा होगा, क्योंकि तुम लोग अभी तक सर शायद दूसरा तरीका यूज करते रहे होंगे। ठीक है, हाँ, एक क्लास में एक क्लास पे भेजते रहते थे उसका एक प्रोजेक्ट बना के हम तो पूरी क्लास में एक नहीं बना देते सब कुछ उसके। बता लेयर्ड एप्लीकेशन का एग्जांपल ले रहे हैं ना अपन। ये कौन सी क्लास है? सर्विस की इंप्लीमेंटेशन क्लास है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे सर्विस की इंप्लीमेंटेशन क्लास, यहाँ पे कौन सी मेथड है? ये तो रजिस्ट्रेशन मेथड हो गई, यहाँ पे आ गया। अब इसको सेंड करेंगे रजिस्टर मेथड की मतलब बीओ का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बीओ से सेंड कर देंगे डीएओ में, यहाँ पहुंचा देंगे ना। चलो, तो इसमें क्या था? सबसे पहले यहाँ पहुंच गए तो आई डी ए ओ मतलब डीएओ का एक इंटरफेस यहाँ पे बनाएंगे, सेम चीज जो भी मेन कंट्रोलर में किए, सर्विस का इंटरफेस वहां पे यूज किए और इंप्लीमेंटेशन क्लास की मेथड को एक्सेस किए। उसी तरह इसके इंप्लीमेंटेशन में क्या करेंगे, डीएओ का इंटरफेस ऑब्जेक्ट यहां बनाएंगे और मेथड कौन सी रहेगी? इंप्लीमेंटेशन की। तो कौन पूछ रहा था कैसे शॉर्टकट लिए? देखो, ऑटोमेटिक एरर शो करता रहता है, कंट्रोल स्पेस दबाओगे ऑटोमेटिक आ जाए। ठीक है, मीटिंग क्लोज हो गई क्या? तो यहाँ पे प्राइवेट डीएओ अभी बनाई नहीं है ना, डीएओ के अंदर एक बना लेते हैं इंटरफेस आई एम्प्लॉय डीएओ। ठीक है, इसके अंदर एक मेथड करते हैं पब्लिक स्ट्रिंग रजिस्टर, एम्प्लॉय वीओ एक्सेप्ट करेंगे, वीओ नहीं वीओ, अब इसकी जो भी इंप्लीमेंटेड क्लास होगी, जैसे कि एम्प्लॉय डीएओ इम्प्लीमेंटेशन क्लास, इम्प्लीमेंट्स आई एम्प्लॉय डी ए,
एम्प्लॉय डीपीओ। तो प्राइवेट आई इस सर्विस मेथड पे है अपन, आई एम्प्लॉय डीएओ। अभी डीएओ डीटीओ में से ऑब्जेक्ट निकालेंगे, एम्प्लॉय डीएओ ठीक है। बीओ, अब बीओ डॉट सेट बीओ डॉट गेट बीओ डॉट सेट डीएओ डॉट रजिस्टर मेथड डी यहां पे भी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर किसको इनिशियलाइज करेगा?